जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कल हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जम्मू कश्मीर के, मैं ये मानता हूं कि दूसरे दौरे पर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक बहुत बड़ी जनसभा से खिताब करने जा रहे हैं। और खासकर अगर बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त बिल्कुल बड़े बेचैन हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को इसी साल दूसरी बार बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में देखें, फेस टू फेस उनसे बात करें और उनकी जो सौगात, जैसे पिछली बार जम्मू में आपने देखा हम सब उस प्रोग्राम में मौजूद थे कि 32,000 करोड़ का सौगात हमारे जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूदी डेवलपमेंट के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां से अनाउंस किया। कई प्रोजेक्ट्स की वहां पर उद्घाटन की, कई प्रोजेक्ट्स की वहां पर हरी झंडी दिखाई गई। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जो कश्मीर का दौरा हमारे देश के प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही अहम दौरा माना जाता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस दौरे में देश के प्रधानमंत्री पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करेंगे और ख़ासकर कश्मीर घाटी के जो हमारे युवा हैं, हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे कैजुअल लेबर्स हैं या हमारे एसपीओस हैं, वो सब उनकी बात होगी। और इंशाल्लाह रहमान रहीम, और ख़ासकर आज का जो ये प्रोग्राम हुआ टीआरसी हंदवाड़ा में, इसका सबसे बड़ा मुद्दा मकसद यही था। इसमें आपने देखा कि हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी कुपवाड़ा के कार्यकर्ता, जिसमें एसटी मोर्चा की भी अच्छी खासी भीड़ थी, उन सब लोगों ने बिल्कुल अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी। और अल्लाह के फजल करम से जो कल का प्रोग्राम है, मैं ये मानता हूँ क्योंकि हमारे टारगेट है 2 से 3 लाख लोग जो है इस रैली में शामिल होंगे। और एक बिल्कुल मेरा वाजिया पैगाम रहेगा, जितने भी हमारे कश्मीर वासी हैं या जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं, हमारे पहाड़ी भाई हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं या हमारे कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि कश्मीर को एक गुलदस्ता कहा जाता है, इसमें हम सब लोग एक हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में कल देश के प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को अटेंड करिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि कल बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में ज़्यादा नहीं तो 3.5 लाख से 4 लाख के दरमियान में जो हमारे कश्मीर वासी हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और एक बार फिर से पूरे कुपवाड़ा की आवाम की तरफ से, कुपवाड़ा भारतीय जनता पार्टी यूनिट की तरफ से और खासकर एसटी मोर्चा जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की खसूसी तरफ से, हम अपने देश के मजबूत प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है, उनका वेलकम करते हैं, उनकी खुशामदेद करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री का ये दौरा है, ये सुनहरे अल्फाज में हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि कश्मीर के लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या सौगात दी।